दोस्तों, आप शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं बधाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मामा इज बैक। तो दोस्तों, जो मामा के चाहने वाले हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए ढेरों सारी बधाइयां दें। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मध्य प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री बने। चलिए विस्तार से जान लेते हैं, लेट्स गो। शिवराज सिंह चौहान ने शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसकी तैयारियां पहले से की जा चुकी थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को नेता चुना गया। गोपाल भार्गव ने विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। शिवराज सिंह ने शपथ ग्रहण के लिए शुभ मुहूर्त का शोधन करवाया था, निर्धारित समय पर शपथ ली है। अपने पहले भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासन करने की शैली में भी अब परिवर्तन किया जाएगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे। कोरोना के कारण कोई उत्सव न मनाए, घर पर रहें, मैं आज रात ही बल्ला भवन बैठ जाऊंगा, कोरोना को हराना है। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुने जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे लिए आज बहुत भावुक पल है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सालों से कार्य करता रहा हूँ। यह इसी पार्टी में हो सकता है कि एक साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ा कार्य करने का मौका मिले। दोस्तों, आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 32वें मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शिवराज सिंह चौहान ने दो कार्यकाल पूरे किए हैं। शिवराज सिंह चौहान का पहला कार्यकाल 5 साल का नहीं था और चौथा कार्यकाल भी 5 साल का नहीं होगा, क्योंकि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी।